हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मैं प्रिंस पांडे हाजिर हूँ मैथ्स की सेकेंड क्लास के साथ। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, हम लोग 15 दिसंबर से आरआरबी ग्रुप डी, यूपी पुलिस और लेखपाल, इन तीनों परीक्षाओं के लिए और जो फ्रेशर जो स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहते हैं उन सबको साथ में लेकर के क्लासेस अपनी स्टार्ट करेंगे। तो आज उसी का सेकेंड क्लास है। आपको रोजाना 5 घंटे की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, जैसा कि आपको पता है, शाम 6 से रात 11 बजे तक लगातार टीसीएस पाठशाला पे ऑनलाइन क्लासेस आपको मिल रही है, वो भी बिल्कुल फ्री में, है ना। तो उसका आप इम्पोर्टेंस समझिए और चीजों को अच्छे से सीखिए। मैथ्स की क्लास में कल मैंने आपको पूरा सिलेबस डिस्कस किया था और डिस्कस किया था कि कैसे क्या पढ़ना है ना। और मैंने एक बात बताई थी आपको कि मैथ्स में कैलकुलेशन सबसे इम्पोर्टेंट रोल पैदा होने वाला है, ठीक है। कैलकुलेशन का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो मैथ्स आपकी 50% कंप्लीट हो जाएगी, क्लियर है। तो कल उसी कैलकुलेशन को बेहतर करने के लिए मैंने सबसे पहले आपसे जो चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, वो डिस्कस करना स्टार्ट किया है। सिंप्लीफिकेशन में मैंने आपको बताया था जोड़ घटाना गुणा भाग पहाड़ा वर्ग वर्गमूल घन घनमूल दशमलव भिन्न, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो कल मैंने आपसे कुछ चीजें यहाँ पर डिस्कस की थी, उसको हम लोग थोड़ा रिवाइज करेंगे और आज की क्लास को फिर आगे बढ़ाएंगे। कल मैंने आपसे एक बात और कही थी कि आप 25 तक का पहाड़ा रट लेंगे बिल्कुल ईमानदारी के साथ, ठीक है। तो आई होप आप उस पर काम कर रहे होंगे। एक दिन में ये काम नहीं होगा, बहुत सीधी सी बात है। अगर आपको याद नहीं है तो आप उसको धीरे धीरे याद करिए, कमांड बनाइए पहाड़े पे, पहाड़ा आता रहेगा तो बहुत सारी चीजें कैलकुलेशन के लिए आपको आसान हो जाएगी, ठीक है। कल हमने आपसे डिस्कस किया था वर्ग और वर्गमूल, है ना। वर्ग और वर्गमूल हम कल आपसे डिस्कस कर रहे थे। अगर थोड़ा सा उसको रिवीजन आपसे कराए तो कल हम स्क्वायर निकालना सीख रहे थे, है ना। कल हम लोग क्या निकाल रहे थे कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं, और उसमें मैंने आपसे 25 तक का वर्ग आपको लिखवाया था और कहा था उसको रट लेना है, ठीक है। 25 तक का वर्ग मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आप भी अपने मन में बोलिए और चीजों को दिमाग में सेट करिए, ठीक है। खेल खेल में सीखने का मतलब यही है कि आप जरूरी नहीं है कि पेन पेपर हो तभी हम पढ़ना शुरू करें, नहीं, कुछ भी काम करते रहे आप उसको अपने जो है कोई जो काम कर रहे हैं उसको अपनी पढ़ाई के साथ जोड़िए, तभी आप चीजों को इंटरेस्टिंग वे में सीख पाएंगे। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर होता है 324, 19 का स्क्वायर होता है 361, 20 का स्क्वायर होता है 400, 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर होता है 484, 23 का स्क्वायर होता है 529, 24 का स्क्वायर होता है 576 और 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है। ये सारी चीजें आप कुछ भी कर रहे हैं ये चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए, ठीक है। इसमें कोई पेन की आवश्यकता नहीं है, कोई पेपर की आवश्यकता नहीं है, है ना। आप कुछ भी काम करते रहिए, इसको उस काम से जोड़ दीजिए, ठीक। मैंने कहा था अगर आपको 25 तक का स्क्वायर आता है तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। उस किसी भी नंबर के स्क्वायर को निकालने के लिए मैंने उस नंबर को सबसे पहले उसको जो क्लासिफिकेशन किया था उसको बांटा था, उसमें मैंने सबसे पहले ऐसे नंबर लिए थे जिनका यूनिट डिजिट कितना था भाई, 5 था, है ना। ऐसी कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 5 है उसका स्क्वायर हम लोग इजिली निकाल सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया था, जैसे 2-3 नंबर लेके मैं आपको थोड़ा सा और रिफ्रेश कर देता हूं, उसके बाद चीजों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, याद आ जाएगा आपको थोड़ा सा। जैसे 25 का स्क्वायर निकालना है तो 25 के लास्ट में 5 है, तो मैंने क्या बताया था, अगर लास्ट में 5 है तो इसका वर्ग होगा तो उसके अंतिम के 2 अंक क्या बन जाएंगे, 25, है ना। अगर लास्ट में 5 है तो स्क्वायर होगा तो लास्ट के 2 अंक क्या बनेंगे, 25, उसके बाद इधर है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, और 3 और 2 का आपस में गुणा करेंगे कितना जाएगा, 6, यानी 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, क्लियर, याद आ रहा होगा आपको। आइए और याद कराते हैं आपको। 35 करना है, 5 है लास्ट में, स्क्वायर होगा तो लास्ट में क्या बन जाएगा, 25, इधर है 3, 3 के बाद क्या आता है 4, और 4 की यहाँ कितना होगा 12, यानी 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12/25, है ना। चीजें क्लियर हो रही होंगी। आइए 65, 65 में लास्ट में 5 है तो वर्ग होगा तो लास्ट में 25, 6 है, 6 के बाद क्या आता है 7, और 7 और 6 का आपस में गुणा कर दूंगा तो कितना जाएगा 42, क्लियर बात। 115 है तो लास्ट में कितना है 5, 5 का स्क्वायर होगा तो लास्ट में बनेगा 25, 11, 11 के बाद क्या आता है 12, 12 और 11 को जल्दी गुणा कैसे करते हैं, जो छोटा नंबर है उसको 10 प्लस आगे वाले नंबर में तोड़ देंगे, तो 11 है तो 11 को 10 प्लस 1 में तोड़ेंगे, 12 से गुणा करेंगे, तो 12 धनम 120 और 12 एक 120 में 12 जोड़ूंगा
तो 20 दस 30 और 30 दो 32, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 132, यानी 115 का स्क्वायर कितना होता है 13225। क्लियर है? अब देखिए इसको हम डेसिमल में कैसे ले सकते हैं। जैसे मैंने आपसे निकलवाया 115 का स्क्वायर 13225। अब परीक्षा में इसी तरह के सवाल आएंगे। देखिए जरा इसको थोड़ा सा हटा के थोड़ा और अच्छे से लिखता हूं। 115 का स्क्वायर कितना आया था भाई 13225, यही आया था। अब देखिए 115 ना दे करके परीक्षा में सिंपलीफिकेशन के सवाल में अगर आ गया 11.5 का स्क्वायर, तो मुझे डरना नहीं है, मुझे 11.5 को 11.5 से गुणा नहीं करना है। मैं करूंगा 115 का स्क्वायर कितना आएगा भाई 13225 आएगा। क्लियर है? 13225 आया। अब देखिए यहाँ पे दशमलव पे एक अंक है, दशमलव के बाद कितने अंक है एक, जब इसका वर्ग होगा तो दशमलव के बाद वही अंक कहां खिसक जाएगा दो अंक पे, है ना, क्योंकि स्क्वायर होगा। तो बस यहाँ स्क्वायर जहां दो अंक पे दशमलव लगा दूंगा और ये 11.5 का स्क्वायर मेरा हो जाएगा। क्लियर है? आसान है, बहुत आसान है। जैसे 65 का स्क्वायर है, 65 का स्क्वायर कितना आया भाई 42.25 आया। ठीक, तो ये बात तो समझ में आई कि लास्ट में 5 है तो 5 की वजह से बनेगा 25 और ये 6 है, 6 के बाद 7, 7 छंग 42। लेकिन अगर कल को यही 6.5 हो जाए तो इसको अलग से करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे एक अंक पे दशमलव है, जब वर्ग होगा तो कहां दशमलव खिसक जाएगा दो अंक पे, तो ये कितना हो जाएगा 42.25। या यही डेसिमल यहां ना लगा करके हम यहां लगा दें, यही डेसिमल अगर यहां लगा दें 0.65 तो कोई दिक्कत नहीं। 65 का स्क्वायर 42.25, यहाँ पे दो अंक पे डेसिमल है, जब इसका स्क्वायर होगा तो वही डेसिमल कहां खिसक जाएगा 4 अंक पे, काम खत्म हो गया, है ना। तो इन सब का यूज है, ये सब आपस में इंटरलिंक है ना, तो आप इसको सीखते चलिए और इसका यूज हम लोग डेसिमल में भी आगे करेंगे। क्लियर है? इतनी बातें कल हो चुकी थी, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। आज बढ़ेंगे हम लोग आगे। देखिए कल हम लोगों ने क्या किया था कि ऐसे सभी नंबर जिनका यूनिट डिजिट कितना है 5, उनका स्क्वायर कैसे निकलेगा उस पर बात हुई थी। ठीक, अब आज देखेंगे कि अगर यूनिट डिजिट 5 ना हो तो कैसे निकालेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर। देखिए अब हम लोग बात करेंगे, नंबर लेंगे हम लोग 25 से 50 तक के। ठीक है, 25 से बड़ा नंबर और 50 से छोटा। ठीक, ऐसा कोई भी नंबर जो 25 से 50 के बीच में है उसका हम लोग स्क्वायर निकालेंगे। जैसे 49, 48, 46, 47, 43, 41, 40, 39, है ना। ये सारे नंबर कैसे हैं? ये सारे नंबर रहते हैं जिनका वैल्यू क्या है 50 से क्या है कम। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। 49 का स्क्वायर करना है तो ये 49, ये सारे नंबर क्या है 50 के आसपास है। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 49 जो है 50 से कितना कम है, तो आप कहेंगे एक कम है। 50 से कितना कम है, एक कम है, जितना कम होता है उसका वर्ग कर देंगे और दो अंक में लिखेंगे। 50 से कितना कम था, एक कम था, तो एक का स्क्वायर एक होता है, लेकिन अंतिम में लिखना है वो भी दो डिजिट में, तो कितना आएगा 0-1। क्लियर बात? 50 से कितना कम था, एक कम था, एक का स्क्वायर कर दिया 0-1 और लास्ट में लिखना है वो भी दो डिजिट में। क्लियर है? तो 0-1 लिख दिया। 50 से कम था एक, तो वही चीज 25 से घटा दीजिए, तो 25 में से एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो 49 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 24-0-1। क्लियर है? इस चीज को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में, तो थोड़ा आपको आसानी हो जाएगी। 50 से जितना कम रहेगा 25 से उतना ही घटा देंगे। ठीक, इसको आप साइड में अपने नोट्स में नोट कर लेंगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं। ठीक, बाकी जितनी प्रैक्टिस उतनी तेजी से आएगा। 49 का स्क्वायर निकालना था तो 49 जो है 50 से कितना कम है, कट रहा है, 49 50 से कितना कम है, एक कम है, तो एक का स्क्वायर हो जाएगा एक ही होता है, लेकिन दो अंक में लिखना है वो भी दो डिजिट में, वो भी लास्ट में, तो एक में दो, एक को दो अंक में कैसे लिखेंगे 0-1। 50 से जितना कम होगा 25 से वही चीज घटा देनी, 50 से एक कम था तो 25 से एक घटा दिया तो कितना हो गया 24-0-1। इसी तरह अगर 48 का स्क्वायर करना है तो 48 50 से कितना कम है, दो, दो का स्क्वायर करिए 4, दो अंक में लिखना है तो कैसे लिखेंगे 0-4, वो भी लास्ट में, लास्ट के दो अंक में लिखना है आपको, तो 50 से दो कम था तो दो का स्क्वायर कितना कर दिया 4 और दो अंक में लिखना है तो 0-4। 50 से जितना कम होगा 25 से वही चीज घटाना है, तो 50 से दो कम था तो 25 में से दो घटा दो तो कितना हो जाएगा 23-0-4, यानी 48 का स्क्वायर कितना होता है 23-0-4। इसी तरह बिल्कुल सेम पैटर्न पे 46 करना है, 50 से कितना कम है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में ऑलरेडी दो अंक है तो 0 बढ़ाने की आवश्यकता आपको नहीं है।
जब दो अंक नहीं रहता है, एक ही अंक रहता है, तो उसको दो अंक बनाने के लिए हम लोग आगे उसके जीरो बढ़ा देते हैं। आगे ही बढ़ाना है, पीछे नहीं बढ़ाना, नहीं वैल्यू बदल जाएगी उसकी। 50 से 4 कम है, 4 का वर्ग कितना हो गया 16, 16 में ऑलरेडी दो अंक है तो इससे इसको लिख देंगे। 50 से 4 कम है तो 25 में से 4 घटा देंगे, 21 हो जाएगा, तो 46 का स्क्वायर कितना 21 16। अब थोड़ा और स्पीड बढ़ाएंगे, 47, 50 से कितना कम है 3, 3 का वर्ग 9, 9 में एक ही अंक है तो दो अंक पे लिखना है तो 09। 50 से कितना कम है 3, 25 से 3 घटा दो, 25 में से 3 गया 22, क्लियर इसको देखिए। 43, 50 से कितना कम है 7, 7 का स्क्वायर 49, अंतिम के दो अंक 49। 50 से 7 कम है 25 में 7 घटाओ, 25 में से 7 घटा देंगे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, क्लियर। 41 करना है, 50 से कितना कम है 9, 9 का स्क्वायर करो 81, अंतिम में लिखना है दो डिजिट में 81 हुआ। 50 से जितना कम 25 से उतना घटाओ, 50 से 9 कम है 25 में से 9 घटाओ, 25 में से 9 घटाओ जल्दी 16, ठीक। 40 करना है, 50 से कितना कम है 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, 100 में कितने अंक है भाई 3 अंक है, मुझे केवल लास्ट में लिखना है वो भी 2 अंक, तो इसके 2 अंक लास्ट के कितने हैं 00, लास्ट के कितने अंक है इसके 2, है ना। जब 3 अंक आएगा तो अंतिम के 2 अंक लिख लेने हैं, बाकी जो बच जाएगा वो हो जाएगा आपका हासिल कैरी, और कैरी हमेशा जुड़ेगा, कहां जुड़ेगा आप ध्यान से देखिए। 50 से 10 कम था, 10 का स्क्वायर कितना 16, सॉरी 10 का स्क्वायर कितना 100, 100 के अंतिम के 2 अंक कितने 00, 1 हो गया हासिल। 50 से जितना कम 25 से उतना घटाते हैं, 50 से कितना कम था 10, 25 में से 10 घटाओ 15 आएगा, 15 में ये 1 हासिल जोड़ दो 15 1 16, तो 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, क्लियर है। आइए और देखते हैं 3 अंक वाले। 39 देखिए, 50 से कितना कम है ये, तो आप बोलोगे 50 से 11 कम है, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121 के अंतिम के 2 अंक लिखे 21, 1 हासिल हो गया। 50 से कितना कम था 11, 50 से जितना कम 25 से उतना घटाना है, 50 से 11 कम है 25 में से 11 घटाओ, 25 में से 10 गया 15, 1 और घटाओ 14, 14 में 1 हासिल यहां भी जोड़ो 15, तो ये 39 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 1521, क्लियर बात, आई होप समझ में आ रहा होगा। फटाफट से नोट करते चलिए, कॉपी पेन जरूर रहनी चाहिए, ठीक, बिना नोट्स के कुछ भी हासिल नहीं होगा। फटाफट नोट करिए, उसके बाद बढ़ेंगे आगे तुरंत, फटाफट नोट करिए। चलिए फटाफट नोट करेंगे, बढ़ेंगे थोड़ा और, कुछ और अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं आपकी। आइए 39 कर लिया था हम लोगों ने, है ना, आइए 38 निकालिए, 37 का निकालिए, 34 का निकालिए, सारे नंबर का निकाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, 31 इधर निकालिए, 30, 29, 28, 27, सारे नंबर का निकल जाएगा, ठीक है, 26, बस 25 से बड़े होने चाहिए, 50 से छोटे होने चाहिए, क्लियर है। चलिए फटाफट से आप थोड़ा सा प्रयास करिए अपने से, उसके बाद हम लोग तुरंत इसका तुरंत निकालेंगे और आप इसको मिलाते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट से स्पीड में और ज्यादा से ज्यादा चीजें माइंड में करिए, ठीक, जितना माइंड में करोगे उतना तुम्हारा माइंड शार्प होगा, ठीक, उतना तुम्हारा तेज होगा बुद्धि और उतनी तेजी से आप चीजों को पकड़ोगे मेंटली। आइए 38 का स्क्वायर करना है, 50 से कितना कम है ये 12, 12 का स्क्वायर बताइए 144, 25 तक का स्क्वायर रटा होना चाहिए, वही बेस है, मैंने पहले कह दिया था 25 तक का स्क्वायर रटना पड़ेगा। 50 से 12 कम है, 12 का स्क्वायर 144, अंतिम के 2 अंक 44, 1 हासिल हो गया। 50 से 12 कम है तो 25 में से 12 घटाओ, 25 में से 12 गया 13 आएगा, 1 हासिल भी था, 13 1 14, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1444, ठीक, बोलते जाइए कमेंट में आपके सही हो रहे हैं या नहीं, ठीक, कोई डाउट हो तो पूछते चलिए। चलिए 37 का स्क्वायर करना है, 50 से कितना कम है 13, 13 का स्क्वायर 169, अंतिम के 2 अंक 69, 1 हासिल है। 50 से 13 कम है तो 25 में से 13 घटाइए, 25 में से 13 घटेगा तो 12 आएगा, 1 हासिल जोड़ो 12 1 13। 50 से कितना कम है भाई 16, 16 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, अंतिम के 2 अंक 56, 56 लिख दिया आप, 2 है तो यहाँ पे 2 हासिल हो जाएगा, तो 2 जुड़ेगा, जितना हासिल रहेगा उतना जुड़ना है। 50 से 16 कम था, 25 में 16 घटाओ, 25 में 16 गया तुरंत माइंड में आना चाहिए, 25 में 16 गया 9, 9 में हासिल 2 है, 9 में 2 जोड़ो 9 2 11। 50 से कितना कम है 18, 18 का स्क्वायर 324, अंतिम के 2 अंक 24, हासिल कितना है 3। 50 से 18 कम है 25 में से 18 घटाओ फास्ट, 25 में से 18 गया 7, 7 में हासिल जोड़ो 3, 7 3 10।
50 से कितना कम है 19, 19 का स्क्वायर बताइए, 19 का स्क्वायर 361, अंतिम के दो अंक 61, हासिल कितना 3, 50 से 19 कम है 25 में से 19 घटाइए, फास्ट कैलकुलेशन, 25 में से 19 गया 6, 6 में हासिल जोड़ो 3, 6 3 9, क्लियर है, स्पीड आ रही है, आएगी धीरे धीरे आएगी, इसी तरह आप भी करेंगे मेंटली, 50 से कितना कम है ये 20, 20 का स्क्वायर 400, 400 के अंतिम के दो अंक 00, हासिल कितना 4, 50 से कितना कम है ये 20, 25 में से 20 घटाओ 5, 5 में 4 हासिल जोड़ दो 5 4 9, 50 से कितना कम है बोलोगे 21, 21 का स्क्वायर कितना होता है 440, अंतिम के दो अंक 41, हासिल कितना है 4, 50 से 21 कम है 25 में से 21 घटाओ 25 में से 21 गया 4, 4 में 4 हासिल भी जोड़ो 4 4 8, 50 से कितना कम है ये 22, 22 का स्क्वायर 484, अंतिम के दो अंक 84, हासिल कितना है भाई 4, 50 से 22 कम है 25 में से 22 घटाओ 25 में से 22 गया 3, हासिल 4 था 4 3 7, 50 से कितना कम है 23, 50 से कितना कम है 23, 23 का स्क्वायर बोलो 529, अंतिम के दो अंक 29, हासिल कितना है 5, 50 से 23 कम है तो 25 में से 23 गया 2, 2 में 5 हासिल जोड़ो 5 2 7, 50 से कितना कम है 24, 24 का स्क्वायर 576, फास्ट 76, 76 लिखेंगे हासिल कितना है लास्ट में 5, 50 से 24 कम है 25 में से 24 घटाओ 25 में से 24 गया 1, हासिल है 5, तो 5 1 6 हो गया खत्म। ठीक, स्पीड होगी और चीजों को आप बेहतर ढंग से आप सीख पाओगे। ठीक, कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, ये सारी चीजें आपको आगे चलकर भी काम आती जाएंगी, कोई भी सवाल आप लगाओगे तो बिना जोड़ घटाना गुणा भाग के हल होने वाला नहीं है। ठीक, तो जोड़ घटाना गुणा भाग पे बहुत तगड़ी पकड़ होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग पकड़ होनी चाहिए आपकी, जिससे चीजों को आप जल्दी जल्दी कर पाए। ठीक, फटाफट से इसको नोट करते हुए चलिए, जल्दी नोट करिए, फिर बढ़ेंगे आगे की तरफ। फटाफट नोट करते हुए चलिए, कब ये आवाज आ रहा होगा ना, लेकिन क्यों, चलिए नोट कर लिया, आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये तो ऐसे नंबर थे, क्या था, जिसके जो 50 से छोटे थे, है ना, 50 से छोटे थे उनका स्क्वायर कर लिया। अब हम लोग बढ़ेंगे 50 से ऊपर, तो अब अगले टाइप में लिखेगा 50 से 75, है ना, ये टाइप क्या है थर्ड, राइट, बिल्कुल नोट्स में पूरी चीजें आपके नोट छपी होनी चाहिए, है ना, अगर आप चीजों को अच्छे से ईमानदारी से सीखना चाहते हो, है ना, तो चीजों को बेहतर ढंग से सीखना है तो पूरा नोट्स आप बनाते चलिएगा। ठीक है, और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लगातार शेयर करते रहेगा, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे जोड़िए भाई, है ना, जब तक ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं जुड़ेंगे फिर पढ़ाई मजा नहीं आएगा, है ना, फिर तो ये फिर रह ही नहीं जाएगा, अगर इसको ऐसे 100-200 लोग ही देखेंगे तो फिर चीजों की कनेक्टिविटी नहीं बढ़ पाएगी, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो मोटिवेशन बढ़ेगा, और मोटिवेशन बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा बेहतर कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो पाएगा। क्लियर है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए तभी मजा आएगा। देखिए 50 से ज्यादा होना चाहिए और 75 से कम होना चाहिए, 50 से बड़े नंबर कौन कौन से हो सकते हैं बोलो, 51, 52, 53, 54, 55, है ना, ये सारे नंबर क्या है 50 से बड़े, 56, 57, 58, 59 और ये 60, क्लियर है, ये सब का स्क्वायर निकालेंगे हम लोग यहाँ पे। ये भी 50 के आसपास ही नंबर है, बस अंतर ये है कि ये 50 से ऊपर है, पिछले वाले जो नंबर थे वो भी 50 के आसपास ही थे, अंतर क्या था 50 से छोटे थे, ये वाले 50 से बड़े। देखिए 51 का स्क्वायर करना है तो 50 से कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे 1 ज्यादा है, 1 का स्क्वायर करो लास्ट में लिखेंगे दो अंक में, तो कैसे लिखेंगे 01, क्लियर, जो काम वहां करते थे बिल्कुल सेम पैटर्न पे यहां भी चलना है, थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है ध्यान से देखिए, 50 से 1 ज्यादा था तो 1 का स्क्वायर कर दिया 01, जब 50 से कम होता था तो 25 में से घटाते थे, क्लियर बात, अब 50 से ज्यादा है तो 25 में जोड़ेंगे, 50 से 1 ज्यादा है 25 में 1 जोड़ दो, क्लियर, 26 01, फटाफट निकल जाएगा, इसको भी आप ऐसे यहां पे लिख लीजिएगा, 50 से जितना ज्यादा 25 में उतना जोड़ेंगे। ठीक है, बस इतना अगर आप लिखे रहोगे तो कभी आपको भूलेगा नहीं। ठीक, 50 से जितना कम 25 में से उतना घटाना है, 50 से जितना ज्यादा 25 में उतना जोड़ना है, क्लियर बात। चलिए 52 निकालना है, 50 से कितना ज्यादा है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, लास्ट में लिखेंगे तो 04, क्योंकि दो अंक में लिखना है, 50 से 2 ज्यादा है 25 में 2 जोड़ दो, 25 2 27, बिल्कुल सेम पैटर्न पे, जो काम कम वाले में किया था बस कम वाले में घटा रहे थे 25 से, अब यहाँ पे 25 में जोड़ेंगे। 53 करना है, 50 से कितना ज्यादा है 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 09,
50 से 3 ज्यादा है, 25 में 3 जोड़ो, 25 3 28, 50 से कितना ज्यादा है 4, 4 का वर्ग 16, 50 से 4 ज्यादा है 25 में 4 जोड़ो, 25 4 29, 50 से कितना ज्यादा है 5, 5 का स्क्वायर 25, 50 से 5 ज्यादा है 25 में 5 जोड़ो 30, ठीक फटाफट। 50 से 6 ज्यादा है 6 का स्क्वायर 36 होता है, 50 से 6 ज्यादा है 25 में 6 जोड़ो, 25 6 कितना होता है भाई 31, 50 से कितना ज्यादा है 7, 7 का स्क्वायर 49, अंतिम में लिखना है दो डिजिट में, 50 से 7 ज्यादा है 25 में 7 जोड़ो फटाफट, 25 7 32, 50 से कितना ज्यादा है 8, 8 का स्क्वायर 64, 50 से 8 ज्यादा है 25 में 8 जोड़ो फटाफट, 25 8 33, इसको देखिए 50 से कितना ज्यादा है 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, दो अंक में लिखना है लास्ट में, 50 से 9 ज्यादा है 25 में 9 जोड़ दो, 25 9 34, 50 से कितना ज्यादा है 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 में लास्ट में दो अंक डबल जीरो, क्योंकि 100 में कितने अंक है भाई 3 अंक, लास्ट के लिखने हैं दो अंक, दो अंक लिख लिया एक जो बच गया वो हासिल, हासिल जुड़ेगा, 50 से 10 ज्यादा है 10 का स्क्वायर 100, 100 में अंतिम के दो अंक एक हासिल, 50 से 10 ज्यादा है 25 में 10 जोड़ो, 25 10 35 एक हासिल भी जोड़ो, 35 एक 36, तो 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा, बोलो क्लियर है, आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी बहुत अच्छे से, ठीक। इन सबको आपको क्या करना है, अभी तो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, आपको लिखना है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या करना है मेंटल कैलकुलेशन, ठीक, कुछ भी काम करते रहिए, इसको पढ़ते रहिए, 51 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, 51 का स्क्वायर सर ने बताया था 50 से कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, तो 1 का स्क्वायर 0 1 लास्ट में लिखना है, 50 से जितना ज्यादा 25 में उतना जोड़ना है ना, ये क्रिएटिविटी है, यही क्रिएटिविटी है, यही इनोवेशन है, अगर आपको सीखना है तो बिल्कुल इसी तरह से आपको सीखना है, और बिल्कुल चीजें आपको बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में, है ना, बहुत अच्छे से आप सीख पाओगे, और खेल खेल में आपको कब आने लगेगा कैलकुलेशन आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपकी आधी गणित समाप्त हो जाएगी, ठीक। कैलकुलेशन आधी गणित के बराबर है वनडे एग्जाम में, ठीक, अगर कैलकुलेशन पे कमांड है तो आधी गणित आपकी समाप्त, सिर्फ आधी गणित सीखनी है कि चैप्टर में कैसे किस टाइप के सवाल आते हैं बस, लेकिन आधा इस पे फोकस करना है, पूरा 50% कवर करता है, ठीक है। चलिए फटाफट से नोट करिए, तो बढ़ेंगे आगे की तरफ, चलिए ये हो गया होगा, आइए आइए बढ़ते हैं और कुछ और नंबर्स लेते हैं, फटाफट से आप निकाल के दिखाएंगे उसका, कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपकी इच्छा हो वो नंबर आप ले लीजिए, फटाफट से निकालिए, छिहत्तर ज्यादा हो जाएगा, छिहत्तर नहीं अभी तक 75 तक ही रहेंगे हम लोग, फटाफट से निकालेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आप मैच करोगे, ठीक है। चलिए फटाफट, जितना स्पीड, जितनी स्पीड से आप कर पाओ उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक, बस सही होना चाहिए, एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, चलो वेरी गुड। वीडियो को शेयर भी करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना ज्यादा बेहतर हम लोग यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस और यूपी लेखपाल, ये तीनों बिल्कुल फोकस्ड वैकेंसी हैं, ठीक, तीन तीन अपॉर्चुनिटी है आपके पास, अगर आपने पीटी का एग्जाम क्वालिफाई किया है तो यूपी लेखपाल भी आपके लिए है, यूपीपी की वैकेंसी आने वाली है बहुत ही जल्द, किसी भी दिन डिक्लेयर हो सकता है, और आरआरबी ग्रुप डी का तो डेट भी डिक्लेयर हो चुका है, जिन्होंने फॉर्म भरा है उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे चीजों को तो यहां से आप बिल्कुल सिलेक्शन के करीब हो जाओगे, ठीक है। आइए मैच करवाते हैं आपका आंसर, 64 का स्क्वायर करना है, 50 से कितना ज्यादा है 14, 14 का स्क्वायर करेंगे 196, अंतिम के दो अंक 96, हासिल कितना आ जाएगा 1, 50 से 14 ज्यादा है 25 में 14 जोड़िए, 25 में 14 जोड़ना है तो 25 में पहले 10 जोड़ो 35, फिर 4 जोड़ो 39, एक हासिल भी था 39 में एक जोड़ो 40, क्लियर बात। चलिए 50 से 16 ज्यादा है 16 का स्क्वायर बोलो, 16 का स्क्वायर 256, अंतिम के दो अंक 56, हासिल कितना है भाई 2, 50 से 16 ज्यादा है 25 में 16 जोड़ना है, 25 में 16 कैसे जोड़ूंगा, 25 में पहले 10 जोड़ो 35, 35 में 6 जोड़ो 35, 6 41, दो हासिल भी है, 41 में दो और जोड़ो 43, क्लियर बात। चलिए 69 करना है, 50 से कितना ज्यादा है 19 ज्यादा है, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, अंतिम के दो अंक 61, हासिल कितना है 3, 50 से 19 ज्यादा है 25 में 19 जोड़ो, 25 में 19 कैसे जोड़ूंगा, 25 में 20 जोड़ दो 25 20 45, लेकिन 19 से जोड़ना है तो एक घटाओ 44, 44 में 3 हासिल भी है 47, क्लियर है। क्रिएटिविटी लाइए अपने अंदर, इनोवेशन कैसे जल्दी कर सकते हैं,
ठीक, क्रिएटिविटी इसी को बोलते हैं। कैसे कर सकते हैं, 25 में 19 जोड़ना है तो मैं 25 में जोड़ूंगा 20, 45, एक पीछे आओ 44, तीन हासिल था 47, क्लियर है। चलिए 50 में 18, 68 करना है, 50 से कितना ज्यादा है 18, 18 का स्क्वायर 324, अंतिम के दो अंक 24, हासिल कितना है 3, 50 से 18 ज्यादा है 25 में 18 जोड़ो, 25 में 20 जोड़ो 45, 18 जोड़ना है तो दो पीछे लाओ 43, 43 में तीन हासिल जोड़ो 46, क्लियर है। आई होप समझ में आ रही होगी चीज आपको। 67 करना है, 50 से कितना ज्यादा है 17, 17 का स्क्वायर 289, 289 में अंतिम के दो अंक 89, हासिल कितना है 2, 50 से 17 ज्यादा है 25 में 17 जोड़ो, 25 में 17 चाहे आगे से जोड़ लीजिए चाहे 20 जोड़ के तीन पीछे आ जाइए, 25 में 20 जोड़ो 45, तीन हासिल, तीन पीछे आओ 42, 42 में दो हासिल जोड़ो 42, दो 44, क्लियर है। या 25 में 17 जोड़ना है तो 25 में 10 जोड़ो 35, 35 सात 42, 42 में दो हासिल जोड़ो 44, क्लियर है। कैसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो मेथड मैं बताऊं वही बेस्ट होगा, वही आपको करना है, नहीं, वो तो आप सीखेंगे ही, आप अपनी भी, अपनी बुद्धिमानी, अपनी क्रिएटिविटी आप भी दिखाएंगे, है ना, कि आप भी क्या सोच सकते हैं, और जिस दिन आप सोचने लगेंगे उस दिन मैथ आपको बिल्कुल आसान होने लगेगी, ठीक है ना। चलिए 70 करना है, 50 से कितना ज्यादा है 20, 20 का स्क्वायर 400, 400 में अंतिम के दो अंक 00, हासिल कितना है 4, 50 से 20 ज्यादा है तो 25 में 20 जोड़ो 45, 45 में 4 हासिल जोड़ो 45, 4 49, तो 70 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4900, क्लियर है। 74 का स्क्वायर करना है, 50 से कितना ज्यादा है 24, 24 का स्क्वायर बोलोगे 576, 76 लिखेंगे, हासिल कितना आ गया 5, 50 से 24 ज्यादा है 25 में 24 जोड़ो, 25 में 24 जोड़ना बहुत आसान है, 25 में 25 जोड़ो 50, लेकिन 24 से जोड़ना था तो एक पीछे आओ 49, 49 में 5 हासिल जोड़ो 49, 5 54, क्लियर बात। 50 से कितना ज्यादा है 22, 72 50 से कितना ज्यादा है 22, 22 का स्क्वायर 484, 84 लिखेंगे, हासिल कितना है 4, 50 से 22 ज्यादा है 25 में 22 जोड़ो, 25 में 22 जोड़ना है, 25 में 22 जोड़ना है 20, 20, 40, 5, 45, 2, 47, समझ में आया कैसे किया, आओ देखो 25 में 22 जोड़ना है, देखो इधर 25 में 22, ये 2 और 2 क्या है 4, लेकिन ये डेसिमल, सॉरी ये दहाई के अंक पे है तो इसको 2 ना समझ के मैं समझूंगा 20, तो ये 20, ये 20, 20, 20, 40, जबकि ये दोनों इकाई अंक पे है तो ये तो ऐसे ही जुड़ेंगे 20, 20, 40, 5, 45, 2, 47, इसीलिए मैं इसको जोड़ रहा था 47 मन में, ठीक। ये दो और ये दो इकाई दहाई, दहाई के प्लेस पे है तो दो भले ही लिखा है उसको समझना क्या है 20, तो 20, 20, 40, 5, 45, 2, 47, क्लियर बात। इसी तरह आप जोड़ना है, ठीक है, मन में। चलो देखो फटाफट, 72 का कर रहे थे, 50 से 22 ज्यादा है तो 22 का स्क्वायर 484, हासिल कितना 4, 50 से 22 ज्यादा है तो 25 में 22 जोड़ो 20, 20, 40, 5, 45, 2, 47, 47 में 4 हासिल जोड़ो 47, 4 51, क्लियर। 71 करना है, 50 से कितना ज्यादा है 21 ज्यादा है, 21 का स्क्वायर बोलो 441, 41 लिखेंगे, हासिल कितना है 4, 50 से 21 ज्यादा है 25 में 21 जोड़ो 20, 20, 40, 5, 45, 1, 46, कैसे जोड़ना है मैंने सिखा दिया 20, 20, 40, 5, 45, 1, 46, 46 में 4 हासिल भी जोड़ो 46, 4, 50, क्लियर है, बहुत आसान। 50 से कितना ज्यादा है 12, 12 का स्क्वायर 144, 44 लिखेंगे, हासिल कितना है 1, 50 से 12 ज्यादा है 25 में 12 जोड़ो, 25 में 10 जोड़ो 35, 35 में 2 जोड़ो 37, और 1 हासिल भी जोड़ो 37, 1, 38, क्लियर। सारी चीजें बहुत आसान है, बस चीजों को प्रैक्टिस करना है, सीखना है, ठीक है, आसान से बिल्कुल एंजॉय करते हुए सीखिए, चीजें आपको बहुत आसान समझ में आएंगी, ठीक है। प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है, बहुत आराम से पढ़ना है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग और एंजॉय करते हुए। चलिए फटाफट नोट करिए, फिर बढ़ेंगे आगे की तरफ, फटाफट नोट करिए। चलिए अब देखिए मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया, पहले मैंने स्क्वायर कैसे नंबर का स्क्वायर करना सिखाया जिसका यूनिट डिजिट कितना है 5, फिर हमने क्या किया 25 से बड़े नंबर और 50 से छोटे नंबर उनका स्क्वायर किया, फिर 50 से बड़े नंबर और 75 से छोटे नंबर, है ना, 75 तक का स्क्वायर हमने कर लिया है। अब मैं आपको बढ़ाऊंगा कि 100 के आसपास के नंबर हो तो उनको कैसे डील करना है, क्लियर है। सारी चीजें बिल्कुल कनेक्टिंग है, ठीक, कनेक्टेड है आपस में, तो सारी चीजों को बिल्कुल शिफ्ट वाइज देखते हुए चलिएगा, ठीक है। जिसने कल का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो कल का वीडियो देखेगा, फिर आज के वीडियो उसको समझ में आएंगे, ठीक है। आज के वीडियो आपको हो सकता है डायरेक्टली समझ में ना आए जो आज जुड़ रहा है ना, तो जो आज जुड़ रहा है, जो नया बच्चा जुड़ रहा है हमसे, वो हमारी कल की क्लास को पहले देखे, फिर आज की क्लास उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। चलिए अब आइए आगे चलते हैं और कुछ और नंबर लेते हैं, उनका निकालते हैं स्क्वायर, ठीक है। देखिए 75 तक हो गया है, अब हम लोग बढ़ेंगे 75 से 100 की तरफ, ठीक है। ऐसा कोई भी नंबर जो अब 100 के आसपास रहेगा, है ना, 100 से छोटा रहेगा 75 से बड़ा रहेगा, क्लियर। तो क्या क्या हो सकता है 100 से छोटा नंबर,
बोलोगे आप 99 हो सकता है, 98 हो सकता है, 97 हो सकता है, 96 हो सकता है, 95 हो सकता है, 94 हो सकता है, 93 हो सकता है, 92 हो सकता है, 91 हो सकता है, 90 हो सकता है ना। ये सारे नंबर क्या है भाई, 100 से क्या छोटे हैं। अब हम लोग निकालेंगे इसका स्क्वायर कैसे करें, ठीक। थोड़ा सा मैं रिवीजन कराऊं, रिवीजन बहुत जरूरी है जिससे चीजें क्या रिफ्रेश रहे। जब मैंने पहले टाइप का नंबर लिया था जिसका यूनिट डिजिट 5 था, तो उसका स्क्वायर कैसे निकलता है, 5 की वजह से अंत में बनेगा 25, बाकी जो साइड में नंबर होगा वो नंबर प्लस उसके आगे वाला नंबर, और दोनों नंबर्स को अपन में गुणा कर देना है, तो ऐसे नंबर का स्क्वायर निकल जाएगा जिनका इकाइयन कितना है 5, वो टाइप 1 था। टाइप 2 क्या था, 50 से छोटे नंबर, 50 से छोटे नंबर का स्क्वायर कैसे होगा, 50 से जितना कम होगा इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर क्या करेंगे, 50 से जितना कम होगा 25 में से उतनी चीजें घटा देंगे। क्लियर बात। चलिए 50 से बड़े वाले में क्या था, देखते हैं कि 50 से कितना बड़ा है, जितना बड़ा होता है इसका स्क्वायर करते हैं, लास्ट में लिखते हैं, वो भी दो अंकों में। अगर तीन अंक में है तो दो अंक लास्ट के लिख लेंगे, एक हासिल बचेगा, हासिल लास्ट में जुड़ना है, ठीक है। चीजें बिल्कुल कनेक्ट रखिए, ठीक, बिल्कुल सेट रखिए दिमाग में। फिर 50 से जितना ज्यादा होता है 25 में उतना जोड़ देते हैं। क्लियर, इतनी बातें मैंने आपको सिखा दी। अब बात है 100 के आसपास वाली, है ना, ये 99 क्या है 100 के आसपास है, तो इसको देखेंगे कैसे इसका स्क्वायर करना है। 99 का स्क्वायर करना है, और ये 99 यानी 99 किसके आसपास है, 100 के आसपास है, तो 100 से कितना कम है भाई ये, तो आप बोलोगे 100 से एक कम है। 100 से जितना कम, पहले उसका स्क्वायर लिखेंगे, अंत में दो अंक में लिखना है, तो 100 से एक कम है तो एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 0, ठीक, क्योंकि अंत में लिखना है वो भी दो डिजिट में, तो 100 से एक कम था तो एक का स्क्वायर हो गया 1, लेकिन दो अंक में लिखना है तो 0। अब ध्यान से समझिए यहाँ पे क्या करते हैं, 100 से जितना कम होता है वही चीज यहाँ से घटा देनी है। 100 से कितना कम है भाई, एक है, 100 से कितना कम है, एक कम है, एक सेकंड थोड़ा टाइम दीजिएगा, 99 का कर रहे थे हम लोग, है ना, 100 से कितना कम था, ये एक कम था, तो एक यहीं से घटा दो, तो 99 में से एक घटाओगे तो कितना आएगा भाई, 98। क्लियर है, थोड़ा सा एक माइनर डिफरेंस है 50 वाले में से, 50 में क्या होता था 25 से घटा देते, 100 वाले में क्या होगा, 100 से जितना कम होगा उसका स्क्वायर तो करेंगे, लेकिन 100 से जितना कम होगा वही संख्या यहां से घटा देंगे। क्लियर है, तो 100 से एक कम था तो 99 में से एक घटा देंगे, 98, यानी 99 का स्क्वायर कितना होगा, 9801, ठीक, समझ में आया होगा। आइए और देखते हैं, 98 करना है तो 100 से कितना कम है, 2 कम है तो 2 का स्क्वायर करो पहले, तो 04 लिखेंगे अंत में, 100 से जितना कम वही संख्या इस नंबर से घटा दो, 100 से 2 कम है तो 98 में से 2 घटा दो, 98 में से 2 घटा दोगे कितना जाएगा, 96 जाएगा। क्लियर है, पकड़ लेंगे आप बहुत जल्दी। 100 से कितना कम है, 3 का स्क्वायर 9 को कैसे लिखेंगे, 09। 100 से 3 कम है, 3 यहीं से घटाओ तो 97 में से 3 माइनस करोगे कितना जाएगा, 94 आ जाएगा। क्लियर, 96 है, 100 से कितना कम है, 4 में, और 4 का वर्ग कितना होता है 16 में 2 अंक है तो 0 बढ़ाने की आवश्यकता नहीं। 4 कम है, 4 इसी में से घटाओ, 96 में से 4 घटा दोगे कितना जाएगा, 92। क्लियर, बहुत आसान। 95, 100 से कितना कम है, 5 का स्क्वायर 25, 5 कम है, 5 इसी में से घटा दो, 95 में से 5 घटा दोगे कितना जाएगा, 90 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। आइए इसको देखिए, 100 से कितना कम है, 6 का स्क्वायर 36, 6 कम है, 6 इसी में से घटाओ, 94 से 6 माइनस करो फटाफट कितना आएगा, 88 आएगा। क्लियर, 93 का करना है, 100 से कितना कम है, 7 का स्क्वायर करो 49, 7 कम है, 7 इसी में से घटाओ, 93 से 7 माइनस करोगे तो कितना जाएगा, 86। क्लियर है, 92 का करना है, 100 से कितना कम है, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, 8 कम है, 8 इसी में से घटाओ, 92 में से 8 घटा दोगे कितना जाएगा, 84। फास्ट, थोड़ा फास्ट करिए, 91 करना है, 100 से कितना कम है, 9 का स्क्वायर 81, 9 कम है, 9 यहीं से घटा दो, 91 में से 89 घटाओ, 91 में से 89 घटेगा कितना आएगा, 82। 100 से कितना कम है, 10 का स्क्वायर 100, 100 में 3 अंक है तो लास्ट क्या है, 2 अंक, 0 एक हासिल। 100 से 10 कम है, 90 में से 10 घटाओ, 100 से जितना कम वही यहां से घटाते हैं, 90 में 10 घटाओ 80, एक हासिल था, 80 एक, 81, तो 90 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8100। क्लियर है, फटाफट से इसको नोट करिए, ये समझ में आ रही है कि नहीं, कमेंट के माध्यम से बताते चलिएगा, कोई डाउट हो तो फटाफट पूछिएगा, ठीक, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करिए, चलिए ये हो गया, ठीक, आइए कुछ और नंबर्स की प्रैक्टिस करते हैं फटाफट। 89,
फटाफट से बताइए, फटाफट बताइए। 89 का स्क्वायर करना है, 89 सौ से कितना कम है, तो आप बोलोगे 11 कम, 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, अंतिम के दो अंक 21, हासिल क्या लिख देंगे 1। 100 से जितना कम वही चीज यहां से घटानी है, माइंड में घटाना है लेकिन ध्यान रखिएगा 100 से 11 कम है, यहां से 11 घटाओ, एक बार घटा के दिखा दे रहा हूं, उसके बाद केवल माइंड में करना है। 89 से 11 घटाओ, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 1 गया 7, कितना आएगा 78, एक हासिल भी था, 78 एक कितना हो जाएगा 79, क्लियर है, प्रैक्टिस करोगे बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। 87 देखो, 100 से कितना कम है 13, 13 का स्क्वायर 169, 69 लिखेंगे एक हासिल, 13 कम है तो यहाँ 13 घटाओ, फील करो कि यहाँ 13 लिखा हुआ है, 13 घटाओ, 7 में से 3 गया 4, 8 में से 1 गया 7, 74 आया, 74 आया कि नहीं, 74 आया, 74 में एक हासिल जोड़ दो 75, क्लियर है। एक बार फिर से चेक कर लो, 87 का 13 कम था, 13 से कितना कम, 13 का स्क्वायर 169, 69 लिखेंगे एक हासिल, 13 कम था 13 घटाओ, यहाँ से 13 घटाओ, फील करो कि किया 13 लिखा है यहाँ पे, 7 में से 3 गया 4, 8 में से 1 गया 7, कितना आया 74, 74 में एक हासिल जोड़ दिया 75, बिल्कुल सही। 100 से कितना कम है 14, 14 का स्क्वायर बताओ 196, 96 लिखेंगे एक हासिल, 14 कम है यहाँ 14 घटाना है, बिल्कुल फील करो कि यहाँ 14 लिखा हुआ है, 14 देखो 14 घटाओगे, 6 में 4 गया 2, 8 में से 1 गया 7, 72, 72 आया, 72 में एक जोड़ो 73। अभी आपको ना आ रहा हो तो चीजें लिख के आप घटा लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसको माइंड में ही करना है, माइंड में करोगे तभी इसका फायदा मिलेगा, लिख के करेंगे तो कोई फायदा नहीं, ठीक, लिखना ही है तो फिर हम बुरा ही कर देंगे, ठीक, माइंड में करना है, माइंड करोगे तुम्हारा माइंड बहुत तेजी से काम करेगा। देखो 84 करना है, 84 सौ से कितना कम है 16, 16 का स्क्वायर 256, अंतिम के दो अंक 56, हासिल कितना है 2, 16 कम है 16 यहां घटाओ, 84 में से 16 घटाना है, 84 में से 10 घटाओ 74, 74 में से 6 घटाओ 68, 68 आया, 68 में दो हासिल जोड़ो 70, क्लियर, सब कुछ दिमाग में, एवरीथिंग इज इन माइंड, सब कुछ दिमाग में। 83 करना है, 100 से कितना कम है 17, 17 का स्क्वायर 289, 89 में क्या लिखेंगे दो अंक 89, 89 हासिल 2, 100 से 17 कम है 17 घटाओ, 83 में 17 घटाना है, 83 में से 10 घटाओ 73, 73 में 7 घटाओ 66, 66 में दो हासिल जोड़ 68। मैंने रटा नहीं है, मैं भी आपकी तरह ही कर रहा हूं, बस मैंने प्रैक्टिस की है इसलिए मैं जल्दी कर पा रहा हूँ, जिस दिन आप भी प्रैक्टिस करोगे आप भी कर सकते हो, ठीक, सब कुछ पॉसिबल है। 81 करना है, 100 से कितना कम है 19, 19 कम है तो 19 का स्क्वायर बोलो 361, 61 लिखेंगे हासिल कितना है 3, 100 से 19 कम है यहाँ से 19 घटाओ, 81 में से 19 घटाना है, 81 में से 10 घटाएंगे 71, 71 में 9 घटाओ, 71 में से 10 घटाऊंगा तो आएगा कितना 61, लेकिन 9 घटाना था तो एक जोड़ दूंगा 62, 62 में 3 हासिल जोड़ 65, ठीक, सब कुछ माइंड में। 80 करना है, 100 से कितना कम है 20, 20 का स्क्वायर 400, 400 के अंतिम के दो अंक 00, हासिल कितना 4, 100 से 20 कम है यहाँ से 20 घटाओ, 80 में से 20 घटाना बहुत आसान है 60, 60 में 4 जोड़ दो 64, 100 से कितना कम है 21, 79 है 21 कम है, 21 का स्क्वायर 441, अंतिम के दो अंक 41, हासिल कितना है 4, 21 कम है 21 घटाओ, 79 में से 21 घटाना है, 79 में से 20 घटाओ 59, 59 में से एक और घटाओ 58, 58 में 4 जोड़ दो 62, क्लियर बात, 78, 100 से कितना कम है 22, 22 का स्क्वायर 484, अंतिम के दो अंक 84, हासिल कितना है 4, 22 कम है तो 22 घटाओ, 78 में से 22 घटाना है, 78 में से 20 घटाओ 68, दो और घटाओ क्योंकि 22 घटाना था तो 68 में से दो और घटाओ 66, 66 में 4 हासिल जोड़ो 70, क्लियर है, फास्ट करना है, जितना फास्ट करोगे उतना तेज बनोगे। 100 से 77 करना है, 100 से कितना कम है 23, 23 का स्क्वायर 529, अंतिम के दो अंक 29, हासिल कितना 5, 100 से 29 कम है 29 घटाओ, 77 में से 29 घटाना है, 77 में से 30 घटा दो, 77 में से 30 घट जाएगा कितना बचेगा 47, लेकिन 29 घटाना था तो एक जोड़ो 47 में एक जोड़ो 48, 48 में 5 और जोड़ो 53, क्लियर बात, आसान है कि नहीं, बहुत आसान है, बस चीजों को बिल्कुल क्या करना है कनेक्ट कर देना है और सारी की सारी चीजें माइंड में चलनी चाहिए। 77 एक बार फिर समझ लीजिए, 100 से कितना कम था 23, 23 का स्क्वायर 529, अंतिम के दो अंक 29, हासिल कितना 5, 23 कम है 23 घटाओ, 77 में से 23 घटाना है, 77 में से 20 घटाइए, 77 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा, अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या, एक सेकंड देख लेते हैं, 77 का करना था, 77 50 से कितना कम है भाई 23, 23 कम है, 23 का स्क्वायर 529, अंतिम के दो अंक 29, हासिल कितना 5, 77 से क्या है 23 कम था 100 से तो यहाँ से 23 घटाना है, 77 में से 23 घटाना है, 77 में से 20 घटाएंगे आएगा 57, 57 में से 3 और घटाइए आएगा 54, 54 में 5 जोड़ेंगे कितना जाएगा 59, ठीक, सो करेक्ट कर लीजिएगा अगर गड़बड़ हुआ होगा तो, ठीक, लेकिन बस कॉन्सेप्ट बनाइए दिमाग, कॉन्सेप्ट बनाइए और चीजों को बिल्कुल दिमाग में लेकर चलिए, ठीक,
सब कुछ विदाउट पेन एंड पेपर पॉसिबल है, ठीक। और ये विदाउट पेन एंड पेपर जब आपको आने लगेगा तो आपका कैलकुलेशन देखिएगा, जब यहां था तो यहां पहुंच जाएगा, ठीक है ना। ठीक, बहुत तेजी से आप ग्रो करोगे अगर ये सब चीजें आपके माइंड में तुरंत चलने लगेगी तो, ठीक। यही सारी चीजें आपको क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो लास्ट में कैलकुलेशन के फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करिए, एक टाइप और बचा है, फटाफट उसको भी खत्म कर देते हैं और फिर देखेंगे कुछ और अच्छे अच्छे नंबर्स के स्क्वायर। ये नंबर क्या था जो 100 से छोटा था, ठीक है, फटाफट देख लेते हैं 100 से बड़ा नंबर। ऐसे सभी नंबर जो 100 से बड़े हैं और 125 से छोटे, ठीक। जैसे 101, 102, ये सारे नंबर क्या 100 से बड़े, ये सारे नंबर क्या है 100 से बड़े। कैसे करना है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे, जैसे 100 से कम होता था तो करते थे 101, 100 से कितना ज्यादा है 1, 1 का स्क्वायर करो फटाफट 01, 100 से जितना ज्यादा वही चीज जोड़ दो, 1 ज्यादा है 101 में 1 जोड़ दो, 101 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 102, यानी इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 10201, ठीक, बहुत आसान है। 102 का करना है, 100 से कितना ज्यादा है 2, 2 का स्क्वायर बोलो 4, 2 अंक में लिखना है 04, 2 ज्यादा है इसी में 2 जोड़ दो, 102 में 2 जोड़ दो 104, 100 से कितना ज्यादा है 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में अंतिम में 2 अंक पहले से ही है तो 0 बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, 4 ज्यादा है 4 में 4 जोड़ दो 4 4 8, बहुत आसान। 100 से कितना ज्यादा है 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 ज्यादा है 5 इसी में जोड़ दो 5 5 10, 100 से कितना ज्यादा है 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 ज्यादा है 6 इसी में जोड़ दो 6 6 12, क्या इतनी जल्दी आप पूरा कर सकते हैं कमेंट में बताते चलिए। 100 से कितना ज्यादा है 9, 9 का स्क्वायर 81, 9 ज्यादा है 9 जोड़ दो 9 9 18 हो गया। 100 से कितना ज्यादा है 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 में 3 अंक है अंतिम के 2 अंक 00, हासिल कितना 1, 10 ज्यादा है 10 जोड़ो 10 10 20, 20 में एक हासिल जोड़ो 20 1 21, 111 करना है, 100 से कितना ज्यादा है 11, 11 का स्क्वायर 121, अंतिम के 2 अंक 21, हासिल कितना 1, 11 ज्यादा है तो 11 जोड़ दो, 11 में 11 जोड़ो या 11 का डबल कर दो 11 दूना 22, 22 में एक हासिल जोड़ो 22 1 23, 123 हो जाएगा। 114 है, 100 से कितना ज्यादा है 14, 14 का स्क्वायर 196, अंतिम के 2 अंक 96, हासिल कितना 1, 14 ज्यादा है 14 जोड़ो, 14 जोड़ो या 14 का डबल कर दो 14 दूना 28, 28 में एक हासिल जोड़ो 29, 129, 118 करना है, 100 से कितना ज्यादा है 18, 18 का स्क्वायर 324, 24 लिखेंगे हासिल कितना 3, 18 ज्यादा है 18 जोड़ दो 18 दूना 36, 3 हासिल भी था 36 3 39, 119 करना है, 100 से कितना ज्यादा है 19, 19 का स्क्वायर 361, अंतिम के 2 अंक 61, हासिल 3, 19 ज्यादा 19 जोड़ो 19 दूना 38, 38 में 3 और जोड़ो 38 3 41, खत्म, क्लियर है। तो ये ऐसे नंबर थे जो 100 से क्या है बड़े, ठीक है। तो मैंने आपको 5 टाइप में स्क्वायर बता दिया है और हम लोग पहुंच गए हैं 125 यानी 125 तक, ठीक। यानी अब आप 1 से लेकर के 125 तक का स्क्वायर बिना किसी डर के निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं 1 से लेकर के 125 तक, जिसमें से 1 से लेकर 25 तक आपको रटा होना चाहिए, अगर वो याद है तो उसके बाद चीजें वन बाय वन टाइप वाइज में चलती जा रही हैं और आप सीखते जा रहे हो, ठीक है। 25 तक याद है तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक। अब इस मेथड से हम लोग 125 तक आ गए, ठीक है। आज घर पे जाकर के पूरा कल की क्लास और आज की क्लास का अच्छे से रिविजन करिएगा, ठीक है। अब अगली क्लास में जब आएंगे, अगली क्लास में जब आएंगे हम लोग, तब मैं आपको एक दूसरा तरीका सिखाऊंगा इसके आगे के लिए। 125 तक तो इसी मेथड से चलेगा, 125 के आगे के लिए एक अच्छी और टेक्निक आपको बताऊंगा, एक अच्छा और अप्रोच बताऊंगा, जिससे हम लोग 999 तक के स्क्वायर पे पहुंच जाएंगे, क्लियर है। 999 तक का स्क्वायर, कैन यू इमेजिन, कभी आपने सोचा था कि आप 999 का स्क्वायर चुटकियों में निकाल पाएंगे? गुणा करके तो आप निकाल लेते हैं लेकिन टाइम लगता है, क्या आपने सोचा था कि कभी आप इसको क्या करेंगे माइंड में कैलकुलेट कर पाएंगे? 999 का स्क्वायर माइंड में करना बड़ी बात है ना, लेकिन बस चीजें क्या है बिल्कुल कनेक्टिंग वे में है। अगर आपने इसको सीखा है पूरा सीखते हुए चलेंगे तो आप कल की क्लास में 999 तक के स्क्वायर पर भी काम कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे कल की क्लास आपने देखी है उसका रिविजन, आज की क्लास का फुल रिविजन, ठीक। पूरा 125 तक का स्क्वायर अब आपको रटा होना चाहिए, है ना। 50 से कम होगा तो क्या होगा, 50 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, 100 से कम होगा तो क्या होगा, 100 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, है ना। 125 तक का बिल्कुल रटा होना चाहिए और 25 तक का तो बिल्कुल रटा ही होना चाहिए, है ना, तभी चीजें आप सीख पाओगे। मैंने कहा ना कि कल की क्लास और आज की क्लास बिल्कुल कनेक्टेड है,
जो आज की क्लास में आया है अगर कल की क्लास वाला नहीं देखेगा सबसे पहले जाके तो उसको ये चीजें पूरी नहीं समझ में आएंगी, है ना। तो कल की क्लास को पहले देखेंगे फिर आज की क्लास, दोनों को कंबाइंड करके देखेंगे और आप देखेंगे कि एक से लेकर के 125 तक का स्क्वायर आप निकाल पाओगे इन दो वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। चलिए यहां तक आज रखते हैं, कल की क्लास में आएंगे तो इसके आगे बढ़ेंगे और चीजों को बिल्कुल रिविजन में लेते हुए चलेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आप वीडियो को जरूर बताइएगा कमेंट में कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टीसीएस पाठशाला चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना, और बगल में बेल आइकन बना होगा बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे जैसे ही क्लासेस की नोटिफिकेशन स्टार्ट होंगी आप तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। शाम 6 से 11 बजे तक लगातार टीसीएस पाठशाला आपके लिए पूरी की पूरी 5 घंटे की क्लासेस फ्री में बिल्कुल चला रहा है, तो इसका आप इम्पोर्टेंस समझिए, इसके महत्व को समझिए और बिल्कुल ईमानदारी से और लगन से पढ़िए, है ना, अगर आपको नौकरी चाहिए तो, ठीक है। आरआरसी ग्रुप डी, यूपीपी और यूपी लेखपाल आने वाली 3 भर्तियां जिनके लिए अगर आप एप्लीकेबल हैं और अगर इसके लिए आप एलिजिबल हैं तो आप चीजों को बेहतर कर सकते हैं, आने वाले 6 महीने में आपकी जॉब पक्की है, ठीक है। अगर आप लगातार 5 घंटे इन सारी क्लासेस को आप फॉलो करते हुए चलेंगे तो मेरा यकीन मानिए आप जरूर नौकरी के पास पहुंच जाएंगे, बस बाकी डिपेंड आप पे करता है आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना इसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो, है ना, कितनी लगन से चीजों को सीख रहे हो, ठीक है। तो मैं तो यही आशा करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको सीखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल पे जोड़िए, है ना, जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, है ना, या जो जिनके आसपास सेंटर नहीं अवेलेबल है, दूर पड़ता है, आने जाने में समस्या होती है, तो उनके लिए टीसीएस पाठशाला यूट्यूब पे फ्री क्लासेस अवेल करा रहा है। अपने फ्रेंड को बताइए, फ्रेंड्स को बताइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे जोड़िए, ठीक है। चलिए मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए टीसीएस पाठशाला यूट्यूब चैनल।